डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 से के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग 6.5 एक्सरसाइज में इन कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग का थ्योरी में बस थोड़ा सा थ्योरी और बच गया था पिछले क्लास की अपेक्षा। यानी कि पिछले क्लास में जितना भी हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के लिए थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें से एक छोटा सा पार्ट्स बच गया है थ्योरी का। यानी कि कुल मिलाकर आज हम लोग 6.5 में इन कर चुके हैं। तो फिर से वही जो छोटा हुआ थ्योरी था उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.5 में हम लोगों ने पिछले क्लास में मैक्सिमा मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम क्या होता है, फिर हम लोगों ने सीखा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो आइए अगर हम लोग आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है 4 मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे टॉपिक्स लिया जाए 4 मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। इसके लिए दोस्त एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, dy/dx=0। यानी कि आप मैक्सिमम और मिनिमम को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के इक्वल में 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें कभी कभी हम ये भी इस्तेमाल करेंगे, हालांकि हम लोग तो मैक्सिमम और मिनिमम को चुनने के लिए क्या सीखे हैं, एक्स पार्ट, याद है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्स पार्ट सीखा था। किसके लिए वो काम करता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग एक्स पार्ट को देखते हैं, अगर एक्स पार्ट का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो हम बोल देते हैं मिनिमम वैल्यू, अगर एक्स पार्ट 0 से छोटा होता है तो हम बोल देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग आज सीख रहे हैं कि कभी कभी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन के इक्वल 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को बस याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हालांकि ये फार्मूला हम लोगों को 10th में पढ़ना है, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एनसीईआरटी के 7वें नंबर चैप्टर में है, जिसका हिंदी बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। में हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हुए हैं क्लास 10th में दोस्तों, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र। दोस्तों दूरी सूत्र में हम लोग कैसे अप्लाई किया करते थे, अगर मान लिया कि दो पॉइंट्स हुआ करता था, एक पॉइंट्स नंबर ए एक पॉइंट्स नंबर बी, अब ये ए वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता था x1 y1 होता था, यानी ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक x2 y2, ठीक है। तब दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस निकाला करते थे हम लोग, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, दूरी एबी, कैसे निकालते थे, तो रूट अंडर किया करते थे हम लोग, यानी कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना करते थे हम लोग, यानी कि फार्मूला यूज करते थे डिस्टेंस फार्मूला में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर दोस्तों एक और हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, और डिस्टेंस एबी इज इक्वल टू, एक और इस्तेमाल कर सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप वन में से टू को घटा रहे हैं तो वाई में भी आपको वन में से टू को घटाना होगा। जब अगर आप एक्स टू में से एक्स वन को घटा रहे हैं तो आप वाई टू में से भी आपको वाई वन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये चीज बताना चाह रहे हैं आपको कि डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, और जब तक एग्जाम्पल्स में हम लोग नहीं करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स में करते हैं। तो मान लिया कि एग्जाम्पल्स के तौर पे एक पॉइंट माइनस थ्री टू है और दूसरा थ्री फोर है और दूसरा सिक्स टू है, तब हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे मान लिया एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट माइनस थ्री फोर एंड सिक्स टू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो पॉइंट्स दिया हुआ है माइनस थ्री एंड फोर और एक सिक्स एंड टू। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के बीच में हम लोगों को दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, और उसके अलावा हमें कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिस्टेंस निकालना है किसके किसके बीच में, पॉइंट माइनस थ्री फोर एंड सिक्स टू, यानी कि दोनों के बीच में हमें पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्यूशन भाई, तो दो पॉइंट्स है, कौन कौन से दो पॉइंट्स, तो एक पॉइंट्स हमें पता नहीं है कि वो पॉइंट्स क्या है, मान लीजिए पी अपने से खुद से, जिसका कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री फोर दिया हुआ है, जिसका निर्देशांक मतलब कि कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री फोर एंड एक क्यू मान लीजिए, और इसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है सिक्स टू, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दोस्त निकालना है। सवाल क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस मतलब कि दूरी निकालो किसके किसके पॉइंट्स के बीच, तो बिटवीन, बिटवीन को बी और डैश डब्ल्यू लिख सकते हैं, इसका मतलब बिटवीन होता है माइनस थ्री फोर एंड सिक्स टू। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब पी क्यू। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो रूट अंडर आप या तो एक्स टू माइनस एक्स वन कर लो, चाहे तो एक्स वन माइनस एक्स टू कर लो, दोनों ही बात बराबर होता है। हम एक्स टू माइनस एक्स वन कर रहे हैं, तो एक्स वन एक्स टू की जगह पे कितना है सिक्स, फार्मूला में होता है माइनस, और एक्स वन है ऑलरेडी माइनस थ्री, और पूरा का क्या स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो वाई टू कितना है टू माइनस वाई वन कितना है फोर, तो यहां हो जाएगा फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे, अब सबको स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट अंडर सिक्स है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर कितना, तो माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर से हम लोग इधर कर लेते हैं, रूट अंडर कितना बच रहा है भाई, तो सिक्स और थ्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन, और नाइन का स्क्वायर कितना होता है एटी वन, तो यहां लिख दिया एटी वन प्लस, अब ये माइनस टू है और माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो माइनस टू का स्क्वायर होता है प्लस फोर। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का रूट अंडर कितना आ गया 85 यूनिट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग का देखा जाए तो ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज किया करते थे कहां, क्लास टेंथ में। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे एक एग्जांपल्स को भी कर चुके हैं, फिलहाल ये हम लोगों का आज लास्ट हो गया थ्योरी, थ्योरी पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं
एक्सरसाइज 6.5 यानी कि बोल सकते हैं कि फर्स्ट बुक का ये लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है, सब चीज लास्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर है वो हम लोगों का क्या है और उसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए तो दिया जाए एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं नंबर वन क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि नीचे दिए गए फंक्शन में हमें क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। दोस्त पहला सवाल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही है ना क्वेश्चन। हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम बता चुके हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए आपको क्या देखना चाहिए, x पार्ट, क्या देखना चाहिए, x पार्ट। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि x पार्ट कितना है, हियर x पार्ट जो है यहां पे हम लोगों का ये पूरा ना है x पार्ट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना पड़ेगा x का वैल्यू रख के कि आखिर x का वैल्यू कुछ रखने पर ये 0 से बड़ा आता है कि 0 से छोटा आता है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि अगर x पार्ट 0 से बड़ा आता है तब ये वाला जो b पार्ट होता है ना, b वाला, b मतलब बिना x वाला, तो वो मिनिमम हो जाता है। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मिनिमम और 0 से छोटा हो जाए तो मैक्सिमम। तो कुल मिलाकर अब हमको यहां पे चेक करना पड़ेगा, चेक आप x का वैल्यू कितना पे भी चेक कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं एट x बराबर 0, एट x बराबर -1, एट x बराबर -2, और अभी देख ले क्या, एट x बराबर 2, इतना पे चेक कर ले रहे हैं। तो x बराबर 0 पर आप चेक करोगे दोस्त तो x पार्ट कितना बनेगा, जब x में आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 0, और 0 में -1 तो -1, और -1 का स्क्वायर कितना, +1। अगर आप x की जगह पे -1 रखेंगे, x की जगह पे -1, तो x की जगह पे -1, तो ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और -2 में -1 को ऐड किया तो -3, और -3 का स्क्वायर किया तो x पार्ट कितना आ गया, 9 आ गया, क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 होता है। वैसे ही दोस्तों यहां से आप चेक कर लो ना कि x पार्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, x के जगह पे -2 रखना है दोस्तों, तो x के जगह पे -2 रखो तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो -2 को 2 से -4, -4 -1 -5, और -5 का स्क्वायर 25। फिर आप देख पा रहे होंगे x बराबर 2, तो 2 जा 4, यानी x के जगह पे 4 रखा, फिर -1 करना है, मैंने 4 में से 1 गया 3, और 3 का स्क्वायर किया 9। आपको लगता होगा कि सर थोड़ा सा चीटिंग करते हैं, हो सकता है कि ऐसा ही वैल्यू रख रहे होंगे जिस पर सब प्लस में आ जाए, तो भाई कतई ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी है दिमाग में आपके चल रहा है, 1000 2000 -500 1,00,000 कुछ भी आप x के जगह पे रख लो और फिर खुद ऑटोमेटिक सभी चीजें प्लस में आएंगी। तो यहां से पता चल जा रहा है, हियर
एक्स पार्ट का वैल्यू दोस्तों जीरो से बड़ा आ रहा है, देख पा रहे होंगे सब प्लस में आ रहा है तो जीरो से बड़ा। तो जब हम आपको बता चुके हैं कि एक्स पार्ट का वैल्यू जब दोस्तों जीरो से बड़ा आता है तो वो मिनिमम हो जाता है, उल्टा होता है, तो इसलिए दोस्तों सो पहला का आंसर होगा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू बी होता है ना, इसके बगल वाला कितना है थ्री, तो आंसर हो जाएगा पहला का थ्री। ठीक है, तो बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको ये चेकिंग करना पड़ेगा कि एक पहला तो एक्स पार्ट पहचानना पड़ेगा कि एक्स पार्ट क्या है। एक्स पार्ट पहचानने के बाद आपको जो काम करना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा कि हमें जीरो से बड़ा आ रहा है जीरो से छोटा आ रहा है, तो फिर ये चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि एक्स का वैल्यू एक्स पार्ट का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है तो वो मिनिमम हो जाएगा, जीरो से छोटा आता है तो बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ये पहले में टोटल देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, तो पहले में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला में हम लोगों का चार क्वेश्चंस है। चलिए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, fx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, यही है ना क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। दोस्तों अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर x पार्ट क्या है तो आप क्या बताएंगे x पार्ट को लेकर। तो दोस्तों जो यहाँ x पार्ट होता है ना वो x पार्ट कौन होता है, जो x सब में लगा रहे, लेकिन अक्सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग स्क्वायरिंग वाला ज्यादा बेहतर होता है, चेक करने में ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए करते क्या है दोस्त, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर प्लस इसको लिखा 12x, इसको लिखा 2 को हम लोग लिख दिया 4 माइनस 2, भाई सब चीज वही लिखा लेकिन इस 2 को तो लिख सकते हैं ना 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचता है 2 बचता है, तो इसको लिख दिया 4 माइनस 2। अब इसको आप बोलोगे कि सर लिखने से फायदा क्या बना, तो दिखाते हैं क्या बना। 9x का स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस इस 12x को लिख सकते हैं 2 × 3x × 2, लिख सकते हैं 2 × 3x × 2 प्लस इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वैसे ही -2, यानी सब चीज को हम लोग तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना फॉर्मूला पे, तो यहां बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, यानी कि अब हम लोगों का नाउ fx का वैल्यू क्या आ गया, fx का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पे जब इस तरीके से हम ला दिए हैं तो आप इसका खुद चेक कर सकते हैं, आप लिखिएगा हियर x पार्ट कितना है यहाँ पे, तो x पार्ट जो यहाँ पे आया वो x पार्ट का वैल्यू कितना आया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ना आ रहा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप चेक करके निकाल लेना, अगर x पार्ट का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगा, अगर वो x पार्ट माइनस में आ जाएगा तो x पार्ट जीरो से छोटा, तो जब जीरो से छोटा होगा तो ये वाला जो -2 है ये मैक्सिमम बन जाएगा। तो हम लोग वो बोल रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू निकालो, तो मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं हम लोग, तो x पार्ट को चेक करते हैं। ठीक है, तो x पार्ट यहाँ पे क्या है दोस्त,
थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इसको आप चेक कर लेना, x का वैल्यू तुम्हारा जो कुछ भी मन रहेगा आप इसको चेक कर लो। अगर x पार्ट का वैल्यू देख लो, अगर x पार्ट माइनस में आता है इसका मतलब जीरो से छोटा, जब जीरो से छोटा होगा तब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा माइनस टू, क्योंकि b के जगह पे तो माइनस टू हो गया ना, साइन के साथ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से x पार्ट का जब वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा x पार्ट का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से बड़ा होगा तब हम इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू माइनस टू। तो आपको दोनों कंडीशन को ध्यान से देखना है कि x पार्ट का जो आप चेक करोगे वो जीरो से बड़ा आता है कि जीरो से छोटा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैक्सिमम या मिनिमम, कोई एक ही होगा दोनों नहीं होगा, क्योंकि वो तो चेक करने के ऊपर आएगा ना कि हम लोग को क्या आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा माइनस टू, ऐसा कुछ आएगा तो मिनिमम हो जाएगा, पहले आप चेक कर लेना जैसे कि बनाए हम लोग पिछले सवालों में। फिर आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा वाला में क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला का थर्ड क्वेश्चन एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, एफ एक्स का वैल्यू दिया है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, ठीक है दोस्तों। हम क्या बोल रहे हैं, आप हमेशा आप माइनस के साथ लेना, माइनस को एक साथ लेना, यानी कि यहां पे आप क्या लिखना, हियर एक्स पार्ट जो है, यहां से एक्स पार्ट क्या है, एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो माइनस के साथ लेना है, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक्स पार्ट जो कुछ भी है हम हमेशा माइनस के साथ ही लेते हैं, यानी यहां पे देख पा रहे होंगे एक्स पार्ट ये टोटल हो गया, माइनस के साथ लेकर बोल रहे हैं। और अब आप इसका भी चेक करेंगे, अगर चेक करने के दौरान अगर जीरो से बड़ा होगा ये, तो जीरो से बड़ा होगा तो दस को बोलेंगे कि मिनिमम हो गया, क्योंकि यही ना हम लोगों को आंसर होता है, एक्स पार्ट के बगल वाला ही आंसर होता है। अब ये मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये तभी पता चल पाएगा जब हम लोगों को एक्स पार्ट का वैल्यू पता चलेगा, यानी कि एक्स पार्ट का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तब हम बोल देंगे कि मिनिमम, अगर जीरो से छोटा हो जाएगा हम बोल देंगे मैक्सिमम। तो कुल मिलाकर आप इसका जरूर चेक कीजिएगा कि यहां पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब कैसे चेक करना है, चेक करने से पता चलेगा कि हम लोगों को इसका मान, आप कुछ भी रख सकते हो भाई एक्स का वैल्यू, चेक कर रहे हो ना, जैसे कि बताया हम, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि आप जीरो वन टू, देखो हम जो रखते हैं ना उस सहूलियत के हिसाब से रखते हैं कि अब उतना बड़ा बड़ा वैल्यू नहीं लेकर करते हैं या फिर प्वाइंट में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा प्वाइंट वाला लेंगे तो इसी के वजह से आप एक्स का वैल्यू कुछ रख लेना और फिर जो आएगा सब चीज माइनस आएगा तो लिखना एक्स पार्ट जीरो से छोटा, जीरो से छोटा हो गया तो मैक्सिमम बराबर टेन, क्योंकि कोई एक ही हो सकता है। तो इस तरीके से पहला का तीसरा क्वेश्चन में भी आपको हम समझा चुके हैं, आप इसको बनाइएगा। अब आगे आते हैं, पहला का ही चार क्वेश्चन है तो पहला के हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं पहला का चौथा क्वेश्चन, बोल रहे हैं जी एक्स, देखो भाई नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार जी एक्स दे दिया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जी एक्स बराबर क्या दिया, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। अब देख लो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे एक्स क्यूब प्लस वन है ना, तो यहां से आप देखो हियर एक्स पार्ट क्या आ रहा है, एक्स पार्ट का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू, बहुत बढ़िया। हम क्या बोल रहे हैं कि अब आप चेक कर लो, क्योंकि इसके बगल वाला ही आंसर होगा, वन ही आंसर होगा, लेकिन वन जो है मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा इसको चेक करने के लिए हमें कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम यहां पे चेक करने के लिए एक्स का वैल्यू कितना कितना पे, तो एट एक्स बराबर वन पे चेक कर लेते हैं, कुछ पे भी चेक कर लो भाई, माइनस वन पे भी चेक कर लेते हैं,
टू पे भी चेक कर लेते हैं, माइनस टू पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब आपको विश्वास हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे। सब में हम लोग देखते हैं कि एक्स पार्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब आप देख लो कि एक्स का वैल्यू अगर वन रखेंगे एक्स की क्यू में, तो एक्स पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो वन का क्यू करेंगे तो कितना होगा वन, माइनस वन रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, जरा इसके बारे में विचार कीजिए। एक्स की जगह पे आपने अगर माइनस वन रखा तो माइनस वन का क्यू कितना होता है, माइनस वन। अगर आपने टू रखा तो टू का क्यूब कितना होता है, टू का क्यूब, दैट इज एट। अगर आपने माइनस टू रखा होता, माइनस टू, तो माइनस टू का कितना होता क्यू, माइनस एट। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि सर एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो न तो जीरो से बड़ा आ रहा है और न ही जीरो से छोटा आ रहा है, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, ऐसा तो नौटंकी हो गया दोस्त, नौटंकी नहीं हुआ दोस्त। यहां पे आप लिखो जो आया, देखो भाई तुमको जो चीज आया ना वो चीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे आप लिखेंगे हियर एक्स पार्ट का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है एंड एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा भी आ रहा है, यानी कि कोई बड़ा भी आ रहा है पॉजिटिव और कोई नेगेटिव, जीरो से छोटा भी आ रहा है। तो जब कोई बड़ा आए और छोटा दोनों आए तो हम बोल देंगे कि नहीं मैक्सिमम हो सकता है और नहीं मिनिमम हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम तभी ना हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जब कोई एक चीज हो, या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो, ठीक है। लेकिन यहां पे साथियों बड़ा भी हो रहा है एक्स पार्ट और छोटा भी हो रहा है, तो जब कोई एक ठो रहेगा तब ना, तो यहां पे लिख देंगे सो इट इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। यानी इसका आंसर क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसीलिए यह क्या है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, का मतलब यह हुआ कि इसका न तो मैक्सिमम हो सकता है और न ही मिनिमम हो सकता है। नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम का मतलब हुआ नहीं मैक्सिमम और नहीं मिनिमम। तो इस तरीके से एक पहला का चौथा ऐसा क्वेश्चन था जो हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मिल रहा था, तो हम लोग इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, क्या बोल रहा है हमें। टू वाले में बोल रहे हैं भाई फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन दिया है जरा देख लेते हैं। तो दूसरा में टोटल हम लोगों का पांच क्वेश्चंस है नो डाउट, लेकिन इस पांच क्वेश्चंस को हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू निकालना है। चलिए तो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें भी, यानी कि दूसरा में टोटल पांच क्वेश्चन है दोस्त। कितना क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो दूसरा में हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स प्लस टू का मॉड माइनस वन, ठीक है।
जब ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? हियर, हियर एफ एक्स का वैल्यू, सॉरी एक्स पार्ट ना, एक्स पार्ट कितना है? तो एक्स पार्ट तो ये पूरा हो गया ना मॉड में एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स पार्ट तो पूरा हो गया। अब चूंकि हमें सवाल बोल रहा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना है, तो इस केस में तो दोनों हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स पार्ट वाले में एक ही ना हो सकता है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। तो एक्स पार्ट जो है यहां पे एक्स प्लस टू का मॉड है। अब आपको चेक करना है तो आप लिखेंगे एड चेक, एक्स बराबर आप जीरो रख लो, एड एक्स बराबर आप वन रख लो, एड एक्स बराबर आप माइनस वन रख लो, एड एक्स बराबर आप माइनस थ्री रख लो, कुछ भी रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब x का वैल्यू आप जीरो रखोगे तो x पार्ट कितना आएगा? वन पे x पार्ट कितना आएगा? माइनस वन पे x पार्ट कितना आएगा? और माइनस थ्री पे x पार्ट कितना आएगा? चलो भाई x की जगह पे जीरो रखो, तो जीरो और दो को जोड़ेंगे तो कितना होगा? दो, और दो का मॉड कितना होता है? दो, जानते हैं ना, मॉड के अंदर प्लस रहता है तब पर भी प्लस होता है, और मॉड के अंदर माइनस रहता है फिर भी प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो मॉड वाले में हम लोग सीखे हैं कि प्लस का तो प्लस होता ही है लेकिन माइनस वाला रहे फिर भी वो प्लस हो जाता है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे एक्स का वैल्यू कितना है? वन। तो अब अगर यहां पर आप वन रखेंगे तो वन प्लस टू इट मीन्स थ्री का मॉड, तो थ्री का मॉड थ्री, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना रखना है? माइनस वन, तो यहां पे माइनस वन प्लस टू, तो कितना आ रहा है? दो में से वन घटा तो वन, वन का मॉड वन। अगर आप माइनस थ्री रखते हैं यहां पे, माइनस थ्री प्लस टू, एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखा तो माइनस थ्री और टू मिलकर कितना हुआ? माइनस वन, और माइनस वन का जो मॉड होता है वो कितना होता है? वन होता है ना, माइनस वन का मॉड वन। क्योंकि मॉड में एक रूल्स होता है कि अगर मॉड के अंदर प्लस रहता है फिर भी प्लस ही मिलता है, और मॉड के अंदर अगर माइनस रहे फिर भी वो प्लस ही बाहर होता है, ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो माइनस भी रहेगा वो किस में निकलेगा? प्लस में। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक्स पार्ट का जो भी वैल्यू मिल रहा है सब चीज क्या मिल रहा है? प्लस प्लस में मिल रहा है। तो यहां से बोलेंगे हियर एफ एक्स का, सॉरी एक्स पार्ट ना, एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिल रहा है? जीरो से बड़ा मिल रहा है। तो जब जीरो से बड़ा मिलता है सो जो जीरो से बड़ा मिलता है तो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? मिनिमम ना, उल्टा होता है। सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मिनिमम वैल्यू इसके बगल वाला हो जाएगा माइनस वन आंसर। लेकिन आप देख पाएंगे इसका आंसर तो मैक्सिमम वैल्यू में लिखा है, उसके बगल में मैक्सिमम वैल्यू लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू के बगल में लिखा है नो। नो का मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ मिनिमम वैल्यू, कोई एक ही ना होगा, इसलिए हम लोग यहां पे ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा में, टोटल पांच क्वेश्चंस है तो दूसरे के हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे भाई? दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरे क्वेश्चन में आ चुका है हम लोग का क्वेश्चन। जीएक्स दिया है दोस्त, तो जीएक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीएक्स का वैल्यू क्या दिया है? माइनस माइनस मॉड में एक्स प्लस वन है प्लस थ्री, ठीक है।
जब आप देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, तो यहां से आप बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, लेकिन हम यहां से आपको ये बता रहे हैं सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि एक्स पार्ट क्या है भाई, एक्स पार्ट तो माइनस में है, एक्स प्लस वन, देखिए माइनस बाहर है। अब आपको जो भी काम करना होगा एक्स की जगह पे काम रखना होगा, ठीक है, एक्स की जगह पे रखना होगा, ये माइनस को बाहर ही छोड़ देना होगा। तो आप इसको खुद से चेक कीजिएगा, हम क्या बोले हैं मोड वाला में कि मोड के अंदर रहेगा, जैसे माइनस फोर तो फोर मिलेगा, मोड के अंदर माइनस एट तो माइनस एट, सॉरी प्लस एट, लेकिन ऐसा रहेगा कि माइनस रहेगा तब मोड चार रहेगा, तब आप माइनस चार ही लिखेंगे, क्योंकि ये चार का सिर्फ मोड चार हुआ और ये माइनस ऑलरेडी बाहर है। या फिर आप ऐसे अगर आंसर आता है माइनस बाहर है माइनस दस, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा माइनस तो बाहर है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, लेकिन माइनस दस का मोड क्या होगा, तो माइनस दस का मोड दस, तो इस तरीके से माइनस दस आएगा। कभी आप माइनस माइनस प्लस नहीं कीजिएगा, तो यहां पे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, यहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो ये माइनस इसका मोड का वैल्यू अलग रखिएगा और ये माइनस को सिर्फ हमेशा रखते चले जाना है, ठीक है, हमेशा रखते चले जाना है। तो इन चीजों को आप गौर कीजिएगा कि हमें यहां पे क्या आ रहा है, ठीक है, माइनस को हमेशा बाहर रखना है और इसका वैल्यू अलग निकालते चले जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां पे खुद से चेक कर लीजिएगा कि एक्स पार्ट का वैल्यू हमें यहां पे क्या मिल रहा है, एक्स पार्ट का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है। तो एक्स का पार्ट का वैल्यू अगर जीरो से छोटा मिलेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तीन, ठीक है, अगर बड़ा हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो कोई एक ही ना हो सकता है और दूसरा तो नो हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखे कि वहां पे मिनिमम वैल्यू था और मैक्सिमम नो था, नो मतलब नहीं ज्ञात किया जा सकता है, वैसे ही हम लोग दूसरा का दूसरा भी आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने के बाद क्या आएगा वो हम बता भी देते हैं। आप जब आप चेक कीजिएगा ना, तो एक्स पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो से छोटा आएगा, यानी कि सब में माइनस 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 में आंसर आएगा। आप लिखिएगा सो जब जीरो से छोटा आता है, आप लिख दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला थ्री। जब मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया थ्री, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जब मैक्सिमम वैल्यू थ्री हो गया तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू नो, नहीं निकाल सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट दूसरा का तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का थर्ड, इसमें बोल रहा है भाई कि साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5, hx दिया है, तो हमें hx से मतलब नहीं है, हमें कुछ भी दे दे उससे हमें मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे साइन 2x प्लस 5 है, ठीक है, एच एक्स दिया है, गिवन एच एक्स बराबर क्या दिया है, साइन 2x प्लस 5, ठीक है, साइन 2x प्लस 5। अब देखो भाई यहां पे, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं ना थ्योरी में, सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, कोई फालतू का नहीं होता है, कोई फालतू का नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा है, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे हियर एक्स पार्ट कितना है भाई, एक्स पार्ट जो यहां पे है वो साइन 2x है ना, और वी नो दैट हम लोग जानते हैं
कि साइन 2x का जो वैल्यू होता है वो माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा होता है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इसके लिए कितना, मैक्सिमम हो गया वन और मिनिमम हो गया माइनस वन। समझ रहे ना, ये चीज तो हम लोग प्रॉपर्टीज में सीखे हैं कि साइन 2x का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, वन, और साइन 2x का मिनिमम मान कितना होता है, माइनस वन। ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी में पढ़ा है। तो यहां पे सो, अब आप लिखिए सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स, एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए साइन 2x का मैक्सिमम मान कितना है, 1, तो यहां पे हम लोग रख देंगे 1 प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो कभी कभी ना हम लोगों को लॉजिकली लगाना पड़ता है मैथ्स के प्रॉपर्टीज को, हम डायरेक्ट यहाँ पे x पार्ट को चेक नहीं किए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पे था कि साइन 2x का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए 1 रख दिया, और उसी तरीके से इसका मिनिमम वैल्यू भी निकलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स। तो इसका मिनिमम कितना होता है, साइन 2x का मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस वन और फिर प्लस 5, तो कितना होगा यहां पे, 4 आंसर। तो इस सवाल में दोस्तों हम लोगों का बुक में दोनों ही आंसर दिया होगा, हुआ होगा एक मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 4। क्यों, क्योंकि साइन 2x वाले में हम लोग प्रॉपर्टीज सीखे थे कि मिनिमम मैक्सिमम इसके लिए 1 और माइनस 1 होता है, उसको हम लोग रख दिए और सिंपल सा हम लोगों का दो आंसर आ गया, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। तो दूसरा का चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि दूसरा का चौथा क्वेश्चन पे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दूसरा का चौथा क्वेश्चन में एफ एक्स का वैल्यू दिया है, क्या एफ एक्स का वैल्यू दिया है भाई, तो साइन 4x प्लस 3, साइन 4x प्लस 3 ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू और क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, हियर एक्स पार्ट कितना है, यहां पे एक्स पार्ट इज इक्वल टू साइन 4x, एक्स पार्ट जो है साइन 4x, तो साइन 4x मेरा एक्स पार्ट है। तो आप यहां पे लिखिए वी नो दैट दोस्त, साइन 4x रहे चाहे साइन 8x रहे चाहे साइन 5x रहे, कोई भी चीज साइन रहता है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस 1 होता है। यहां लिखिएगा माइनस 1 साइन 4x 1, यानी चूंकि यहां पे साइन 4x है तो साइन के साथ कुछ भी रहे हमेशा मैक्सिमम उसका 1 होता है, मिनिमम माइनस 1 होता है। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम इसका कितना होगा, मैक्सिमम 1 साइन 4x के लिए, और इसके लिए मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा माइनस 1। ठीक है, मैक्सिमम और सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो मॉड में है, मॉड में साइन 4x, तो साइन 4x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहां 1 प्लस 3 का मतलब 4 का मॉड यानी कि 4 आंसर।
उसी तरीके से अब आप इसका मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना होगा, तो मिनिमम के लिए यानी कि साइन फोर एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस वन। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि साइन के साथ कुछ भी रहे, साइन के साथ कुछ भी रहे, हम लोगों का मैक्सिमम वन लिया जाता है और मिनिमम माइनस वन लिया जाता है। तो यहां पे अब की बार मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कितना रखना है, माइनस वन, तो यहां रख देंगे माइनस वन प्लस थ्री का मॉड। तो इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा, टू, और टू का मॉड टू। तो इस तरीके से हम लोग को इस बार दोनों आंसर दिया हुआ रहेगा बुक में, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें दिया रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच पे। ये दूसरा का चौथा क्वेश्चन था जहां पे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे। अब आ जाते हैं इसका जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आता है इसका वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम। यानी कि इसके लिए हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करना सीखेंगे कि क्या होता है और उसको हमें कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको कैसे है, तो इस बार फिर से हमें क्या दे दिया है भाई, एच एक्स दे दिया है, ठीक है। एच एक्स का वैल्यू कितना दिया है, देखिए गिवन, एच एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब एक्स प्लस वन दिया है और इधर ब्रैकेट में करके दिया है, उसका हमें कोई यूज नहीं है। हालांकि क्या दिया है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि माइनस वन और वन के बीच का वैल्यू रखना है, माइनस वन और वन के बीच का वैल्यू रखना है। तो हमें यहां पे बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें इसका यूज इसमें नहीं करना है, इसलिए इसका इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, हम लोगों को इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, हियर एक्स पार्ट कितना है, एक्स पार्ट जो है वो एक्स है, एक्स पार्ट में सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स पार्ट बराबर लिख दिया कितना, एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स पार्ट चूंकि हम लोगों का एक्स है, तो आप देख पा रहे होंगे हम लोग कि एक्स पार्ट जब एक्स है तो हम लोग कितना कितना पर अब तो चेक करेंगे ना भाई, और जब चेक करेंगे तो हम लोग का पता चलेगा कि कितना कितना क्या क्या यूज करना है। तो यहां पे एक्स पार्ट का वैल्यू यहां पे क्या है भाई, एक्स है, ठीक है। तो अब यहां पे चेक करना है तो आप किस पे भी चेक कर सकते हो ना, हम तो बोले एक्स चेक करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो भाई। तो यहां पे एक्स बराबर आप लिख दिया माइनस वन, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर माइनस थ्री, इतना चीजें ले लिया। एक्स बराबर माइनस वन पे एक्स पार्ट कितना हुआ, एक्स पार्ट माइनस वन हुआ। एक्स बराबर टू पे एक्स पार्ट कितना हुआ, टू, क्योंकि एक्स ही है ना। एक्स बराबर माइनस थ्री पे एक्स पार्ट कितना हुआ, माइनस थ्री, क्योंकि वो वैल्यू सीधा सीधी पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक्स ही है ना यहाँ पे, तो जब एक्स है तो पूरा वैल्यू ऐसे ही पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स पार्ट कितना आ रहा है, फोर, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर माइनस थ्री, फोर, एक्स पार्ट सब पे आ रहा है। आप यहां पे देखिए तो एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो कितना कितना है, माइनस वन, टू, माइनस थ्री, फोर, ये सभी चीजें हैं। तो
तो यहां पे आप देखिए तो x पार्ट या तो जीरो से पूरा पूरा बड़ा ही होना चाहिए, नहीं तो सब छोटा ही होना चाहिए। लेकिन यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि कभी छोटा भी है, माइनस में भी आ रहा है, कभी प्लस में भी आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सो सॉरी हियर एफ एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है एंड एफ एक्स का जो वैल्यू जीरो से छोटा आ रहा है। सो हम यहां पे लिखेंगे नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, ठीक है, नहीं मैक्सिमम है और नहीं मिनिमम है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहां पे काम करते हैं। तो पता चल रहा होगा अब तक कि हम लोग कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए जरा। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यानी कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। दोस्तों हम लोग पढ़े थे थ्योरी में कि मैक्सिमम मिनिमम तो होता ही होता है, इसके साथ साथ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी होता है। और बात करें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी होता है, ठीक है। तो जरा याद कीजिए हम लोग कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे निकालते हैं। तो जो दिया गया फंक्शन होता है उसे हमें एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो का यूज करना होता है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो, और उसका यूज करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना होता है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे वो जो चीज आएगा हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे कि क्या क्या है। तो पहले सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा का पहला क्वेश्चन, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी कभी भी आपको अगर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना होगा तो आपको यूज करना होगा यूजिंग फार्मूला एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स बराबर जीरो, इसलिए दोस्तों एक्स बराबर कितना होगा, तो ये टू से मल्टीपल है तो भागा करेंगे जीरो भागा दो, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया जीरो, इसलिए एक्स का वैल्यू जीरो। तो जो वैल्यू हमें आता है एक्स का वैल्यू कितना है जीरो। दोस्तों अब जो जो हमें एक्स का वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग अब चेक करते हैं एफ एक्स में, ठीक है। अब लिखेंगे चेक अब लिखेंगे चूंकि एफ एक्स का वैल्यू कितना है दोस्त, एक्स स्क्वायर, इसलिए एफ जीरो निकालेंगे, एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो। और तो कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि एक ही एक्स का तो वैल्यू अगर और आता, जैसे जीरो आता और टू आता, ठीक है, जीरो आता और टू आता, तो जब जीरो और टू आता तब हम लोग जीरो पे भी चेक करते हैं और टू पे भी चेक करते हैं, तब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिखिएगा सो लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, लोकल मिनिमम वैल्यू बराबर जीरो, आंसर कितना आया जीरो, कितना पे, तो एट एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर जीरो पे लोकल मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है जीरो। लेकिन यहां पे दोस्तों लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू नोट फाइंड, यानी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, नोट फाइंड हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स का तो वैल्यू एक ही हुआ है ना, तो जीरो से छोटा तो और कोई हो नहीं सकता है,
उसका स्क्वायर करने पे तो जीरो ही मिनिमम हो सकता है ना। x का वैल्यू कुछ भी रख लो, उसका स्क्वायर करेंगे तो सब तो पॉजिटिव ही आएगा, तो छोटा सबसे कौन हुआ, जीरो। इसलिए लोकल मिनिमम आएगा जीरो, और कितना पे, जीरो पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा के दूसरा वाले सवाल पे बढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। बोल रहा है gx, देख लो भाई gx बोल रहा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि fx बोले या gx बोले या hx बोले, तो इसमें बोल रहा है gx कितना भाई, तो x³ - 3x। तो जब यहां पे हम लोगों को लोकल मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है तो हम लोग एफ डैश एक्स जीरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आप लिखिएगा यूजिंग g' x = 0। तो g' x बराबर आप जीरो का इस्तेमाल करते हैं, तो g' x का मतलब x³ मतलब 3x² - 3 = 0। ठीक है, आप 3 कॉमन करेंगे तो यहां क्या बनेगा, x² - 1 = 0। आप देख पा रहे होंगे यहां से कि यहां 3 से तो इधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x² - 1 = कितना 0, क्योंकि 3 से डिवाइड किया, x² = कितना हुआ 1। इसलिए दोस्तों x का वैल्यू क्या होगा, इधर ये रूट में करेंगे तो +-1 होगा ना, +-1। जब x का वैल्यू +-1 आया, इसका मतलब हमें दोनों पे चेक करना होगा, यानी अब लिखेंगे यहां पे चेक एट x = 1 पे। तो x = 1 पे चूंकि fx का वैल्यू कितना, सॉरी gx है ना, gx का वैल्यू कितना, x³ - 3x, इसलिए g1 का वैल्यू कितना होगा, 1³ - 3 × 1, यानी 1 - 3 यानी कि -2। ठीक है, और फिर से चेक करेंगे अगेन एड कितना पे, तो दो ही ना वैल्यू निकला है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो ऐसा ही करते हैं। x का वैल्यू 1 पे चेक किया तो कितना आया, -2। अब x पर कितना पे चेक करना है, -1 पे, तो -1 पे चेक करना है तो g - 1 रखेंगे तो x के जगह पे -1³ - 3 × -1, तो -1³ कितना, -1। ठीक है, और --+3 और इसको घटाएंगे तो +2। आप बताओ कि जो आंसर आ रहा है हमें, एक वो -2 आ रहा है रखने पे और एक 2 आ रहा है, तो बोलो कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा हुआ, तो हम बोल देंगे कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2, और कितना पे, तो एट x = -1। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर देखिएगा ना, तो लैंग्वेज में उलट फेर है, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो हम लोगों का आंसर हम लिख सकते हैं, दोनों में बड़ा कौन है, 2 बड़ा आया, तो यहां पे लिख देते हैं सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू = कितना, 2 आ रहा है = 2, कॉमा करके लिखेंगे एट कितना पे, तो एट x = -1। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके बुक में इसका आंसर सटीक दिया हुआ है, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बुक में भी वही आंसर है। ठीक है, फिर एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम कितना आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है -2, क्योंकि 2 ज्यादा बड़ा है और -2 छोटा है, तो ये दोनों में छोटा -2 है, लिखेंगे -2।
कितना पे आ रहा है भाई, तो एट एक्स बराबर कितना पे, तो वन पे, तो एट एक्स बराबर वन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ए भी आंसर हो गया और ए भी आंसर हो गया, तो तीसरा का ये दूसरा का आंसर हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों को कुछ इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन है दोस्त, तो आपको जो ट्राई करना है तीसरा में टोटल क्वेश्चन कितना है जरा देख लेते हैं। तीसरा में टोटल हम लोगों का 8 क्वेश्चन है, जिसमें हम 2 out of 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अभी भी 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा fx, gx, hx करके कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो fx का वैल्यू दिया हुआ रहता है आप यूजिंग कर लो, f'x बराबर 0 का यूज कर लो और उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, और x का वैल्यू निकालने के बाद आप उसको चेक कर लो, और चेक करने के बाद जिसका वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है लोकल मैक्सिमम, जिसका वैल्यू कम हो जा रहा है लोकल मिनिमम, राइट। तो बाकी का जो तीसरा का टोटल 6 क्वेश्चन अभी बच रहा है, ये बच रहा है ना, तो आप इन 6 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा निकालने का वैल्यू को, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, और फिर अगर नहीं आता है फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।